इंतखाबात की सुनी आता है। कैमरामैन हम साथ बढ़ते हैं खबरों को। ये महिला आए, इनकी समस्या क्या ये पूछते हैं। आपका नाम क्या है? सितारा। सितारा, तो आप ये कप्तान के ऑफिस काहे के लिए आई? हम सब, हमारा मकान है जबरदस्त। कहाँ है आपका मकान? शमशाबाद। शमशाबाद कोटला। अच्छा, तो क्या है मसला? मसला ये है कि हम अकेले हैं, रान बेबा हैं, हमारे कोई ना आस है ना औलाद है, ना कोई देवर है ना कोई जेठ है। ठीक ठीक। हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एक महीने से दबाव पड़ रहा है। कौन कौन दबाव आप पे बना रहा है? शमीम, रजी, रजी का पुत्र रवि जी, और नदीम फारूकी। अच्छा, नदीम फारूकी, ये लो आप लोग से ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जबरदस्ती हमें दीवार तोड़ के हमें रास्ता दो। किसमें रास्ता दो? प्लाट पीछे उनका बना है नदीम फारूकी का, बराबर में है शमीम का। अच्छा, शमीम का। शमीम का जी। आपके घर से क्या मैटर है उनका? हमारे घर से कोई मैटर नहीं है, बस यही है, वो ये चाह रहे हैं कि हमें रास्ता दो, कैसे ही दो, जबरियन दो। अच्छा, आप मार पीट के दो। अच्छा, आपके साथ? अच्छा, जुल्म कर रहे हैं आपके साथ? जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, मारपीट पे नौबत आ गई, सब कुछ हो गया। तो आप अकेली महिला हैं, आप कैसे मारपीट करेंगी उनके साथ? वो महिला जब कोई बोले और हमारे सहारे को खड़ा होए तो उसी के साथ मतलब दबंगई चालू। अच्छा, दबंगई गुंडई कर रहे हैं ये कि जो भी बोलेगा तो बंदूक और तमंचे से, गाली से, सब हर तरह से धमका रहे हैं। अच्छा, आपको तमंचे, बंदूक और गाली गलौज से धमका रहे हैं सब? तो आपने यहाँ कप्तान साहब की तहरीर दी अपनी? हाँ, दे दी। अच्छा, तो आपसे कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब ने हमें तसल्ली दी कि आप मतलब बेफिक्र रहें। अच्छा। और हम आपका साथ देंगे। अच्छा, तो आपसे पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि हम आपका साथ देंगे, आपका काम करेंगे? हाँ, परेशान न होना। जी जी जी, चलिए तो ठीक है। मैं बोल रही हूँ हुमा खान, आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर फरखाबाद की दुनिया तक। और धन्यवाद।